नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों IBPS क्लर्क 12 जिसमें 6035 पोस्ट है, इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हैंडराइटिंग का जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या लिखना है आपको ये भी बताएंगे, नोटिफिकेशन में वो चीज़ कहाँ लिखी है ये भी बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं इसकी आपको बेसिक जानकारी क्या है। तो बता दें दोस्तों, ये जानकारी हमने सरकारीRezult.com से ली है। आपको बता दें आपको अप्लाई करने का लिंक भी सरकारीRezult.com और RezultRezult.com पर मिल जाएगा। सरकारी रिजल्ट जब भी लिखिए lastme.com जरूर लगाइए। तो दोस्तों जल्दी से जल्द चलते हैं फॉर्म पे, बता दें इसके आवेदन 1 जुलाई से शुरू हुए, अंतिम तिथि 21 जुलाई है। इसकी जो एग्जाम है वो सितंबर 2022 में होना है और जो मेंस एग्जाम है वो अक्टूबर 2022 में। फीस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लास्ट ईयर जो IBPS 11 में फीस थी वही सेम फीस रखी गई है इस बार भी। उम्र में भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन पिछली बार जो सीट थी थोड़ी ज्यादा थी, इस बार सीट जो है कम हो गए। इसका कुल जो है 6035 सीटें जो है इसमें। नीचे आते बता दें अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है जिसकी जानकारी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको सरकारीRezult.com और RozgarRezult.com पर भी मिल जाएगी। जैसे कि आपको बता दो उत्तर प्रदेश में 1089 सीट है, राजस्थान में 129 है, अगर आप झारखंड की बात करें तो 69 है, मध्य प्रदेश में 309 है, महाराष्ट्र में 775 है, इसी तरह बिहार में 281 है। तो जिस आप जो स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आप भी एलिजिबल होंगे। तो चलिए दोस्तों सीधा अप्लाई करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का एक विंडो खुलेगी। आपको बता दें इसका जो सिलेबस है वो भी आपको सरकारीRezult.com और RozgarRezult.com पर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ। नाम का पहला लेटर ही जो है आपको डालना है, और सेकंड में अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम अगर आपका है तो डालिए, नहीं तो आप कंप्लीट को छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में 0 का इस्तेमाल नहीं करना है। ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी आपकी कहाँ पे बनी है वो डालना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैप्चा है उस कैप्चा को एज इट इज जो है आपको डाल देना है। यहाँ पे डालने पर यहाँ पे आपको देखेंगे छोटा सा सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करके और अगले स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का आपको सिंबल दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दिख रहा है। बता दें अगर आप इसको मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल में लैंडस्केप मोड पे ही भरिएगा, तभी आपका ये फॉर्म खुलेगा। और अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो इसका जो आईडी पासवर्ड आया है इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। जैसे आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में आपको यहाँ पे फोटो लगानी है और नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर लगाना है। सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों फोटो सिग्नेचर को लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं फोटो लगाने के बाद फोटो आपकी यहाँ पे विजिबल हो जाएगी जिसमें आपको टिक करना है। इसी तरह सिग्नेचर जब आपका अपलोड होगा तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, इसको भी आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है और अगले स्टेप के लिए बढ़ना है। जैसे आप अगले स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपकी कैटेगरी क्या, आपकी जनरल OBC EW जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे टिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा आपका कोई जो है डिसेबिलिटी या विकलांगता वगैरह तो नहीं है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली आपको नो कर देना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन जो आपके विजिबल नहीं है, लेकिन पूछा है कि आप 1984 राइट्स से प्रभावित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगला ऑप्शन है आपका जो है आप किस जो है रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, जिसमें भी है आपको टिक करना है। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग तो नहीं करते हैं, आप एक्स सर्विस मैन तो नहीं है, आप एक्स आर्मी वगैरह तो नहीं है, आप जो है डिपेंडेंट वगैरह तो नहीं है जिसमें आपको अगर किसी में भी है तो आपको उसमें वोट वेटेज मिलेगा। आप जो है कोई विडो या डिवोर्सी वूमन तो नहीं है। यहाँ पे पूछा इससे पहले आपने IBPS क्लर्क का एग्जाम कितनी बार दिया है, अगर आपने दिया है तो आपको यस करना है और यहाँ पे जो आपको कंट्रोल वाला बटन दबा के इस पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए IBPS आपने 11 और 10 दिया था तो आपको कंट्रोल करके सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड में आपको कंट्रोल वाला बटन दबाना है और साथ ही साथ जितनी बार भी आपने दिया है उतनी बार आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पहली बार IBPS का एग्जाम देने जा रहे हैं, इससे पहले आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो सिंपली आपको नो कर देना और इस स्टेप को आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपका नेशनलिटी डाल देनी है और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं यहाँ UP के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे पूछा आपको प्री एग्जाम का सेंटर कहाँ चाहिए, तो मैंने प्री एग्जाम का सेंटर अपना आगरा ले लिया है। इसके बाद पूछा आपको मेंस यानी कि जो फेज टू होगा जो अक्टूबर में होना है उसका एग्जाम सेंटर आपको कहाँ चाहिए, तो मैंने इसका सेंटर ले लिया लखनऊ। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा है कि जो आपको एक ID प्रूफ देनी है जिसमें आपने जो नाम डाला है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही मैच होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कौन सा ID प्रूफ देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना जो वोटर ID कार्ड दे दे रहा हूँ। अगर आप कुछ और देना चाहें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ऑप्शन बहुत ढेर सारे हैं।
जिसमें आपका नाम एग्जैक्ट हो वही चीज दीजिएगा। यहाँ पे पूछा आपका मीडियम, तो मैं हिंदी और इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि आपकी क्या है, तो मैंने अपनी जन्मतिथि डाल दी। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र कितनी है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा कि आपके जो जुड़वा भाई बहन तो नहीं, अगर ऐसा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपका मैरिटल स्टेटस डालना है। नेक्स्ट आपको अपने पिता का नाम डालना है यानी फादर नेम डालना है। नेक्स्ट आपको अपना मदर नेम यानी माता का नाम डालना है। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे आपको अपनी वाइफ का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे स्पाउस में आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है जो कि लोकल एड्रेस है आपका डालना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो भी आप जो यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरा दोनों एड्रेस सेम है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और दोनों एड्रेस पे जो यहाँ पे टिक कर दिया तो आपको दो बार नहीं भरना पड़ेगा। जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा है कि आपको जो इसका बिल होगा यानी जिसमें 850 रुपये का पेमेंट होता है वो आपको किस एड्रेस पे चाहिए, तो मैंने दोनों एड्रेस सेम डाला है तो हम किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर पे चाहिए तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड में यहाँ पे आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते मानी अगर आपका यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल आ जाएगा तो समझ सकते हैं पूरे ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर चुके हैं। अगर आपका यहाँ पे कुछ भी एरर आएगा तो वो चीज़ रेड होकर हाईलाइट हो जाएगी, उसको आपको कंप्लीट करना है और सेव एंड नेक्स्ट करके अगले स्टेप पे आगे बढ़ना है। मेरा सब कुछ सही है, मैं सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। अगले स्टेप पे हम आएंगे तो यहाँ पे आपका पूछा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपका क्या है, बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, जो भी है आपका, आपको सिंपली उस पर सेलेक्ट करना है। आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे रिजल्ट आपको कब मिला है आपको रिजल्ट डाल देना है। बता दें रिजल्ट की जो डेट है आपकी मार्कशीट में आपको जो है मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है रिजल्ट की डेट तो आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह की डेट भी देख सकते हैं, लेकिन पासिंग डेट ही होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज डाल देना है। अगले स्टेप में यहाँ पे आपका जितनी डिवीजन है डिवीजन डाल देना। इसके बाद अगर आपके पास मास्टर डिग्री यानी पीजी है तो पीजी भी डाल सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप उसको छोड़ सकते हैं। अगले स्टेप में आपको अपना कंप्यूटर का देना है कि आपके पास कंप्यूटर में क्या है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, या आपने क्लास हाई स्कूल में या कॉलेज इंस्टीट्यूट लेवल में पढ़ाई की, तो मेरे पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेशन का है, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो कर दीजिए। यहाँ पे एस सी एस टी का है, एस सी एस टी जो आपके रिलीजियस कंट्री है, रिलीजियस माइनॉरिटी लोग हैं उनके लिए अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए तो उनको ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन सब में नहीं आएगा, केवल एस सी एस टी और जो रिलीजियस माइनॉरिटी वाले हैं उन्हीं के में आएगा, एक्स सर्विसमैन में आएगा, इन्हीं सब में आएगा, पी एस में आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा वेदर फायर डिटेंशन, कोई आपको अवार्ड वगैरह या कोई आपका कोर्ट ऑफ लॉ यानी ऑफेंस वगैरह तो नहीं है आपका, अगर कुछ ऐसा है तो आपको करना है, नहीं तो आपको कुछ भी नो कर देना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है वो आपको लिख देना है। रीड राइट स्पीक तीनों है तो तीनों पे टिक कर देना है। तीन लैंग्वेज का ऑप्शन है, तीन से ऊपर आप नहीं सेट कर सकते। लास्ट में यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है, वैलिडेट पे वेरीफाइड सक्सेसफुल होना जरूरी है। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको चेक करना है आपने कुछ ना कुछ गलती रह गई है। आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे यानी अगले स्टेप में आएंगे तो आपको यहाँ पे बैंक का प्रेफरेंस जो है भरना है। ये बैंक की डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मैं आपको जैसे नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। टोटल ये 49 पेज का नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो यूपी के लिए अप्लाई किया तो यूपी काफी नीचे है, तो मैं यूपी में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और सरकारीrizalt.com और rozgarrizalt.com पर मिल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है प्रेफरेंस पे आया तो देख सकते हैं किस जगह जो है किस बैंक में कितनी वैकेंसी, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे अधिक बैंक की वैकेंसी जो है पंजाब नेशनल बैंक में है। तो हम यहाँ पे जो जब ऑप्शन पे आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ जो है पंजाब ले लेंगे। बाकी ये चॉइस आपकी है कि आप जो है कौन से प्रेफरेंस को ऊपर रखना चाहते हैं, कौन से को नीचे रखना चाहते हैं, लेकिन मैं जिसमें ज्यादा वैकेंसी उसको जो है ऊपर रखूंगा। जैसे मैंने पीएनबी को फर्स्ट पे रखा है, सेकंड पे मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रख देता हूँ। देख सकते हैं मैंने सेकंड पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रख दिया क्योंकि इसमें 296 वैकेंसी है। इसके बाद मैं यूनियन बैंक को रख देता हूँ जिसमें कि जो है 162 वैकेंसी है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं असम में जो वैकेंसी की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, उसके कैनरा बैंक को मैं कर सकता हूँ और आपका जो यूको बैंक है लगभग, उसके बाद हम जो भी है हम उसमें जो है सबको जो है सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जिसमें वैकेंसी है उसी को जो है ऊपर प्रायोरिटी पर रखिएगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा वैलिडेट करना है, वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, सेव नेक्स्ट करना है, अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ना है। जैसे आप अगले स्टेप पे आगे बढ़ेंगे पूरा फॉर्म का प्रीव्यू अच्छी तरीके से खुल जाएगा जिसको आपको एक अच्छे तरीके से चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको जो दो ऑप्शन है इस दोनों पे आपको जो है टिक करना है, थर्ड वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। थर्ड वाला ऑप्शन उनके लिए है जिनको जो है नाम वगैरह जिनका चेंज हुआ है और जो है एट अ टाइम एग्जाम में जिनके में अंतर है। अगर आपके में लगता है प्रीव्यू चेक करने के बाद कुछ भी गलती है तो यहाँ पे बैक का बटन है, इसमें आप बैक कर सकते हैं, उस चीज़ को सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का बटन दिया है, इस पर क्लिक करना और आगे बढ़ना है। मेरा सब कुछ सही है, हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अब आपको दो चीजें स्कैन करके लगानी है। आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यानी कि अंगूठा लगाना है, दूसरा आपको हैंड आइडेंटिफिकेशन लगाना है। दोस्तों इस ऑप्शन में बहुत से अभ्यर्थी गलती करते हैं यानी कि हैंड आइडेंटिफिकेशन में वो कुछ भी लिख देते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन में आपको खोलना है पेज नंबर 14, जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पेज नंबर 14 खोला। जैसे पेज नंबर 14 खोलेंगे इसमें कॉलम नंबर 4 पे अगर आप जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है आपको क्या लिखना है। ये देखिए कॉलम नंबर 4 को मैंने मार्क कर दिया। अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो आपको इस तरीके से एक ब्लैंक पेपर में लिखना है, आई लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। इस तरीके से आपको रनिंग हैंड में पूरी हैंड राइटिंग लिखनी है व्हेन रिक्वायर्ड तक। आपको देख सकते हैं यहाँ व्हेन रिक्वायर्ड जहाँ पे मैंने मार्क किया है और आई से लेके इन दोनों चीजों के बीच में आपको एक व्हाइट पेपर में इस तरह अपनी हैंड राइटिंग में जो है लिखना है। किसी और से मत लिखवाइएगा, अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखिएगा। अब जो है इसको लिखने के बाद वहां पे स्कैन करके लगाना है। तो चलिए इसको लगाते हैं और आगे स्टेप में बढ़ते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं थंब इंप्रेशन और जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड होगा, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको एज इट इज जो है लिखना है, सेव एंड नेक्स्ट करके अगले स्टेप पे आगे बढ़ना है। अगले और अंतिम स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपको फीस का पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक बिल्डर्स मिलेगा, एक पेटीएम मिलेगा। दोस्तों अगर आप इसको क्यूआर से करना चाहते हैं तो पेटीएम सेलेक्ट कीजिए, यानी अगर आप UPI के माध्यम से करना चाहते हैं, अगर आप इसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप बिल्डर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं बिल्डर्स को सेलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आप इसका पेमेंट किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन खुल चुका है। पेमेंट आप इसका अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और QR का ऑप्शन इसमें भी है, UPI का ऑप्शन भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के तुरंत बाद ये ऑप्शन, ये जो पेमेंट होगा आपका वो डिडायरेक्ट होने के बाद ये लॉग आउट हो जाएगा, आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, तब इसका जो है प्रिंट निकलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक है जहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हो और ये लिंक आपको सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पर भी मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।